हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, 17,000 प्लस की वैकेंसी को लेकर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। और दोस्तों, शॉकिंग न्यूज़ उम्मीदवारों के लिए इसलिए होने वाली है क्योंकि जिस तरह के आंसर की आने के बाद उम्मीदवारों के अपडेट जो निकल कर आ रहे हैं उनके कट ऑफ रेशियो के अनुसार वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। क्योंकि जिन उम्मीदवारों द्वारा पोल किया गया था कि उम्मीदवारों के सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ हाईएस्ट स्टूडेंट्स के जो कट ऑफ बन रहे थे वो यहाँ पर जो है 35 से 40 के बीच में बन रहे थे, पर दोस्तों इस बार की जो वोटिंग कराई गई और जिस तरह के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। और ये शॉकिंग क्यों होने वाले हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और दोस्तों, एक और अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कई उम्मीदवारों के एक मेल भी आ रहे हैं और वो मेल क्या है, उसकी क्या पूरी सच्चाई है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ क्योंकि दोनों ही अपडेट उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इससे दोस्तों उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है जिस तरह के अपडेट निकल कर आ रहे हैं। और जो उम्मीदवार उस पोल में हिस्सा लिए हैं उस पोल के अनुसार उम्मीदवारों के लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone.sz पर कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर जो कट ऑफ है वो क्या इतनी जा सकती है या नहीं जा सकती है। दोस्तों, आखिर इतनी ज़्यादा कट ऑफ फिर से क्यों अपग्रेड की गई, इंक्रीज़ क्यों हुई और ये कैसे हुआ, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, जो मेल की अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर एक अपडेट आप सभी को बारीकी से मैं बताने वाला हूँ, चाहे वो स्टाफ नर्स की हो, चाहे वो ANM की हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो। इन चीज़ों को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा जानने की भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिज़ल्ट से पहले यह अपडेट या कटअप इस तरह से जाएगी तो इस बार उम्मीदवार के जो नंबर हैं वो पहले ही इस वैकेंसी से रिजेक्ट हो जाने वाले हैं। क्योंकि उतने कटअप में अगर उतनी हाई कटअप जाती है कैटेगरी वाइज तो उम्मीदवार इस बार पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और रिजेक्ट का सीधा कारण है कि कई सारे उम्मीदवारों के जो पोलिंग कराई गई उस पोलिंग में ना हिस्सा लेने के बाद या अदर कैटेगरी वाइज हिस्सा लेने के बाद उन चीज़ों को देखते हुए जो कट ऑफ की रेशियो है वो इतनी हाई क्यों गई, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को डायरेक्ट प्रूफ के साथ मैं आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पोल कराया गया था जिसमें कि कम से कम कई सारे स्टूडेंट जो हैं नर्सिंग वैकेंसी के जुड़े हुए हैं और उनके अनुसार जो पोल आया है वो क्या आया है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शॉकिंग होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की जो पहले की जो यहाँ पर रेशियो थी, यानी कि जो पोलिंग कराई गई थी उसकी जो रेशियो थी वो उम्मीदवारों के लगभग जानते हैं 35 से 37% के बीच में आ रहे थे और ANM के यहाँ पर जो हैं यहाँ पर 33 से 40% के बीच में कटअप बन रहे थे। पर दोस्तों, अचानक ही इन दोनों वैकेंसी में इतनी ज़्यादा हाई ग्रेड क्यों हुई। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर फार्मिस्ट की बात कर लें तो फार्मिस्ट की जो कटअप थी वो यहाँ पर 50 बताई जा रही थी, पर दोस्तों इस बार जो कटअप है वो 50 से भी ज़्यादा एबव हो गई है। वो कैसे, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ समझने की जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पोलिंग कराई जा रही है इसमें अगर आपने स्टाफ नर्सिंग की भी फॉर्म फिल किए हुए हैं या अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने AM किया है, जिन्होंने लैब टेक्नीशियन किया, जिन्होंने फार्मिस्ट किया है, उनके अनुसार भी इस पोलिंग में हिस्सा लिया गया और जिसके कारण कि जो संख्या है वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ कर गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस कटअप के अनुसार 40 से कम वाले के जो उम्मीदवार 60 प्लस आ रहे थे, आज वो उम्मीदवार 60 से भी कम हो गए और यहाँ पर 23% ही ऐसे उम्मीदवार बचे हुए हैं। और जिसमें कि अब जो उम्मीदवारों की जो संख्या है वो लगातार इसके अंदर बढ़ती गई और 40 से 50 के बीच में यह जो कटअप की रेशियो है वो यहाँ पर आ चुकी है। पर दोस्तों, इन चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल ही टेंशन ना लें क्योंकि इसमें कई अदर कैटेगरी के भी जो कैंडिडेट हैं जिसके लिए ANM के लिए, उन्होंने भी इसके अंदर पोल किया है। क्योंकि पोल करने के बाद हर एक उम्मीदवारों
इसके अंदर अपनी जो है पोल के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं, जिसके कारण की जो रेशियो ऑफ कटअप है वो इनक्रीज़ होते जा रही है। और दोस्तों इसी तरह से आप एनएम में और इसी तरह से आप सभी की वैकेंसी फार्मिस्ट के अंदर भी इसी तरह के उम्मीदवारों के पोलिंग के कारण जो संख्या है वो यहाँ पर घटती गई है, क्योंकि जिसके कटऑफ के अनुसार जिनकी रेशियो कम हो रही थी और जिसकी कटऑफ की रेशियो ज़्यादा हो रही थी वो इस समय आज के लिए वो कम होते जा रही है और जो चीज़ है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा असर आप सभी के कटऑफ के रेशियो के अकॉर्डिंग ही हुआ है दोस्तों, आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप सभी के 40 प्लस हैं तो इस बार आपकी सिलेक्शन होने की दोस्तों पूरी ही चांसेस है। कोई भी टर्म एंड कंडीशन के अनुसार जो रिज़ल्ट से पहले आप देख सकते हैं कि जो कटअप की रेशियो है वो क्या जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि इतनी कटअप जाएगी तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, हमारी रिज़ल्ट के अंदर नाम भी नहीं आएगी। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी आंकड़े जो नहीं हैं, ये दोस्तों सिर्फ हर एक कैटेगरी वाइज की जो आंकड़े जो हैं वो सारे कैंडिडेट ने पोल किया है, ना कि सिर्फ स्टाफ नर्सिंग के कैंडिडेट ने पोल किया है, जिसके कारण जो आंकड़े हैं वो इसलिए बढ़ गए और इसी से उम्मीदवार जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि अगर इतने आंकड़े जाएंगे तो हमारी सिलेक्शन कैसे होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही इग्नोर करते रहें, और जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले अपडेट दी गई थी उसी अपडेट के अनुसार आप सभी की जो है कटअप रहने वाली है, एक या दो माइनस या प्लस में आप रख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेल की, क्योंकि कई उम्मीदवारों को मेल भी आ रहे हैं, ऐसी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर उम्मीदवारों द्वारा बताई गई है। पर दोस्तों अभी तक नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा आप सभी के लिए कोई भी मेल उम्मीदवारों द्वारा नहीं भेजी जा रही है इन चीज़ों को लेकर, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही दोस्तों इग्नोर करें। और दोस्तों जो भी अपडेट है आप सभी को फरवरी के पहले वीक में ही पता चल जानी है कि इसकी जो कटअप की रेशियो क्या होने वाली है। और दोस्तों अदर मेल पर आप बिल्कुल ही ना देरी करें कि कुछ कैंडिडेट को मेल आए या कुछ उम्मीदवारों को नहीं आए, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि NHM की वैकेंसी में उम्मीदवारों को काफ़ी ऐसे मेल जो है भेजे जाते हैं और वो सारे मेल जो होते हैं वो पूरे तरह से फेक होते हैं। तो इन चीज़ों पर दोस्तों आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है और सिर्फ अपनी फोकस और अपनी DV के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और अदर जो भी अपडेट आएगी इस भर्ती से रिलेटेड, सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।